गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ में साइंस का लेसन नंबर 5 फूड हेल्थ एंड डिशेज के बारे में पढ़ेंगे। खाना हमारी सेहत और हमारी बीमारियाँ। तो देखिए न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जो फूड्स यानी कि जो हम भोजन करते हैं, कोई भी हम खाना खाते हैं हमें उसकी आवश्यकता होती है। हम कोई भी खाना खाएंगे तो हमें उसके खाने की आवश्यकता होगी या नहीं, या आप बिना खाए कुछ भी काम कर सकते हो? कितने दिन तक आप बिना खाए रह सकते हो? क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें डेली खाना खाना पड़ता है ताकि हम ताकतवर बनते रहें। हमें खाने खाने की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हमें खेलने और काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। हम शरीर को स्वस्थ और ताकतवर बना सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अब हम डेली एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे तो हम तो खाने से भी बोर हो जाएंगे कि हम एक ही तरह का खाना खाते हैं, और फिर हमें एक ही तरह का प्रोटीन मिलेगा, उससे अलग अलग तरह के प्रोटीन और विटामिन नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए हमें अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए, अलग अलग प्रकार का हम भोजन उसके लिए करते हैं। उसके बाद आता है पहले हमारे खाने में न्यूट्रिशंस, यानी कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। जिस खाने में स्पेशल तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, स्पेशल तरह के, जैसे मतलब किसी खाने में कुछ और पदार्थ पाया जाएगा, किसी और खाने में कुछ और पाया जाता है, जैसे केले में कुछ और न्यूट्रिशंस पाए जाएंगे। अलग अलग तरह के भोजन में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, ये नहीं कि हमने केवल एक ही प्रकार का खाना खाया तो एक ही प्रकार का न्यूट्रिशंस मिल गया और हमारे शरीर को हेल्थी बन जाएगा हमारा शरीर, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है तो हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस अलग अलग खाने से उसको देने चाहिए। जो मुख्य न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे शरीर में जिस पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होता है, मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। ये सभी तरह के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो अलग अलग खाने से हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है ये हमें एनर्जी देते हैं, ये वाले जो भोजन होता है हमें शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। जो जैसे कि ये किस किस चीज़ में पाया जाता है? शकरकंदी में, ब्रेड में और केलों में कार्बोहाइड्रेट होता है, घी में, ऑयल में, पनीर, मक्खन और नट्स, इन सब में फैट्स पाया जाता है। फैट्स हमारे शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब यानी कि हमारी बॉडी को बनाता है ये। बॉडी बनाने का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करेगा। प्रोटीन हमारी ग्रोथ में मदद करता है, विकास के लिए ज़रूरी होता है, और हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर के अंदर ख़राब टिश्यूज़ हो जाते हैं ना, जो टिश्यूज़ होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, उनको रिप्लेस कर देता है, डैमेज टिश्यूज़ को रिप्लेस कर देता है, तो प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। जो विटामिन्स होते हैं, कितने तरह के विटामिन्स होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सब विटामिन्स होते हैं। ये सब किस किस चीज़ में पाए जाते हैं? फ्रेश फ्रूट्स में, यानी कि ताज़े फलों में, सब्जियों में, अंडों में, मछली में। और विटामिन्स जो होते हैं, आयरन होता है, जो आयोडीन होता है और कैल्शियम होते हैं, ये सब कुछ तरह के मिनरल्स ही होते हैं जो हमें दूध में, हरी पत्ते वाली सब्जियों में, फलों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा रफेज। जो रफेज होता है वो क्या होता है? रफेज हमारे शरीर को, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, रफेज का मतलब क्या हो गया? रफेज मतलब कुछ भी चीज़ ख़राब, तो यानी कि जो रफेज होते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, हमारा कोई भी वेस्ट मटेरियल हो गया, जैसे हमने कुछ भी खाया और तो वेस्ट मटेरियल होगा ना, तो वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है जो रफेज होता है। तो उसमें क्या होता है, यानी कि वो किस चीज़ से बाहर निकल सकता है, इससे हमारा खाना जो होता है वो जल्दी से फिर पच भी जाता है। और ये जो होता है वो फ्यू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड ओट्स कंटेन रफेज, यानी कि इन सब के अंदर रफेज पाया जाता है। फिर आता है पानी। पानी तो आप बच्चों को सबको पता है कि पानी की हमारे शरीर में कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी हमारी बॉडी के अंदर, देखिए 70% तक हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है, यानी कि 70% जो हमारी बॉडी का वेट है, जो एडल्ट बॉडी होती है उसके अंदर 70% जो होता है वो पानी होता है। पानी की हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वेस्ट इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट, और पानी वेस्ट पानी होता है वो हमारे शरीर से यूरिन और पसीने, स्वीट यानी कि पसीने के ज़रिए बाहर निकल जाता है। उसके बाद आता है हमारी बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट होगी, बैलेंस डाइट क्या होती है, जो हम कोई भी फूड खा रहे हैं, कोई भी द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड शुड बी पोर्शनेबल मैनर, यानी कि कोई भी चीज़ हमने खाई, मतलब बैलेंस डाइट का मतलब होता है हमने कोई भी खाना हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतने से हिसाब से खाया, मतलब खाने में सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाने चाहिए,
उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। जिस चीज़ की भी हमारे शरीर को आवश्यकता है, हमने उतना ही खाना खाया है, उतने ही न्यूट्रिशंस वाला खाया है, उसी को हम बैलेंस डाइट के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है हमारे डिशेज, यानी कि बीमारियाँ। हमें कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं जो हमारे शरीर को कमज़ोर बना देती हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो कम्युनिकेबल डिशेज। कम्युनिकेबल डिशेज कौन सी होती हैं? ये हमारे शरीर में क्या होती है कम्युनिकेबल डिशेज, हमारे चारों ओर अरबों माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। कुछ माइक्रोब्स होते हैं हमारे शरीर में चले जाते हैं जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें वो दिखाई तो दे ही नहीं रहे। अब हमने कहीं बाहर का खाना खाया, बाहर बिना ढका हुआ खाना रखा हुआ था, वो माइक्रोब्स उसके अंदर बैठे हुए थे, वो हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे, उसके बाद क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। जो बीमार शरीर को दूसरे शरीर में फैलती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिशेज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बीमार हैं, आपके बीमार के पास आप, मैं बैठी हूँ और फिर उस वही बीमारी मुझे भी लग गई, जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये बीमारी आपको है उसके द्वारा मुझे भी लग जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कम्युनिकेबल डिशेज। तो ये इसमें कौन कौन सी आती है, प्रोटोजोया आती है। प्रोटोजोया कौन सी होती है, कॉजेज जिस लाइक मलेरिया, एम्बिया डेंसिटी एंड काला अजर, यानी कि जिसे हम काला बुखार भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया में टाइफाइड, पिनोमिया यानी कि जो निमोनिया हो जाता है, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, और वायरस जो होते हैं वो कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, पोलियो, मिसल्स और एड्स, ये सब होते हैं। उसके बाद है फंगी, मोस्टली कॉज इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आइज एंड हेयर, यानी कि हमारी कोई भी स्किन में, आइज में और हेयर में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम फंगी बोलते हैं। अबे हाउ टू कम्युनिकेबल डिशीज स्प्रीड, यानी कि कैसे फैलती हैं कम्युनिकेबल डिशीज। देखिए हवा के दौर जरिए भी फैल सकती हैं ये, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, यानी कि कोई फूड और वाटर इन्फेक्ट हो चुका है उसके ज़रिए भी फैल सकती है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मच्छर ने हमें काटा, हम बीमार थे, फिर उसी मच्छर ने किसी और को काट लिया जबकि वो बंदा ठीक था, हेल्दी था, लेकिन उसके जो माइक्रोब थे यानी कि कीटाणु थे वो दूसरी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और वो भी बीमार हो जाएगा। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है हम उसके पास बैठे हुए, बिल्कुल उसके करीब बैठे हुए हैं, उससे हाथ मिलाया या उसका झूठा खाना खाया या किस तरीके से भी हमें वो बीमारी, हमें भी वो हो सकती है। तो ये जो कम्युनिकेबल डिशीज होती है वो किस किस से फैलती हैं, हवा से भी फैल सकती है। जब एक बीमार आदमी खांसेगा या छींकेगा तो उससे जम्स जो होंगे वो हम फैल जाएंगे, उससे क्या होगा 100% भी बीमार हो सकता है। कभी कभी खाने में पानी जो होता है, पानी में जो इन्फेक्टेड जर्म्स होते हैं वो मिल जाते हैं, या मक्खियों के कारण हो जाता है, ये भी इन्फेक्टेड कर देती है हमारे खाने को। इंसेक्ट्स जो होते हैं, मैंने बताया भी, इंसेक्ट्स जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा वो भी हमें काट लेगा या किसी और को काटेगा, उसमें भी जर्म्स आ सकते हैं। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि जो हमने कपड़े हैं, कपड़े और अन्य सामान जो कि अगर हम किसी उन्हीं को यूज़ करते रहेंगे तो भी हम बीमार हो जाएंगे। अगर जो धोएंगे नहीं उन कपड़ों को, ये जो बीमार आदमी ने पहन रखे हैं फिर उसके बाद उन्हें धोए नहीं और हमने पहन लिए तो भी हम बीमार हो सकते हैं। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिशीज, यानी कि इनसे हम बच कैसे सकते हैं, भाई इनसे बचा भी तो जाता है तो हम इनसे बचेंगे कैसे। जो कम्युनिकेबल डिशीज होती है उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, अपने चारों ओर सफाई रखनी है। सबसे पहले तो सफाई रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नाखूनों को नियमित रूप से काटना पड़ेगा, कूड़ेदान को ढककर रखना पड़ेगा, हमें अपने आसपास को सुरक्षित रखना पड़ेगा, अपने घर की खिड़कियों को ताज़ी हवा और धूप की रोशन आने के लिए खुले में रखना चाहिए, खुले होने बनाने चाहिए उनको, पानी को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं। और उसके बाद हमें बाहर का बिना ढका हुआ भोजन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और टीकाकरण सबसे सरल उपाय है बीमारियों से बचने के लिए, यानी कि हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। उसके बाद जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिशेज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिशेज होती हैं ये हमें एक दूसरे से नहीं फैलती। ये कैसे फैलती है हमारे को, ये हमारी बीमारी कोई वैसे नहीं होती, इस प्रकार की बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलेगी। ये हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस की कमी, यानी कि हमने कोई खाना ठीक से नहीं खाया, न्यूट्रिशंस नहीं लिए, विटामिन्स नहीं लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये सब कुछ नहीं लिया, तो ऐसी बीमारियाँ हमें नॉन कम्युनिकेबल डिशीज उससे होती हैं। जो व्यक्ति सही मात्रा में भोजन का सेवन नहीं करता इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। इसमें मैलनूरिशमेंट एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें ज़्यादातर ये जो ज़्यादातर होती है वो बच्चों में पाई जाती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही इन सब बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार की बीमारी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण हो जाती है। अगर जो उनका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिल पाता तो उसी तरह कार्य हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, जो बैली होता है हमारा वहाँ से सूज जाता है और भूख भी कम लगने लगती है और टांगें कमज़ोर हो जाती हैं। तो इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए, नॉन कम्युनिकेबल डिशीज से बचने के लिए हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, कम्युनिकेबल डिशीज से बचने के लिए हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और नॉन कम्युनिकेबल डिशीज से बचने के लिए हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सारे मिनरल्स, सभी विटामिन्स
पूरे बैलेंस डाइट के साथ लेने चाहिए। थैंक यू।